हाय स्कॉर्पियंस और आपके मंथली फोकस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी मंथली एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ एंड कलर ऑफ द मंथ। इससे पहले हम शुरू करें, अगर इन वीडियोस से आपको किसी तरह का भी कोई फायदा मिल रहा है तो एज अ पे बैक प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच पाए और बाकी सारी वीडियोज जो मेरे चैनल पे है वो भी सबके पास पहुंच पाए और मेरा लाइफ पर्पज जो कि सबको हेल्प मिल पाए जब भी रिक्वायर्ड हो वो फुलफिल हो पाए, और मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी ये करने के लिए। तो बात कर रहे हैं फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी का मंथ आपका है आपकी दुनिया चेंज करने वाला। दुनिया चेंज करने वाला का मतलब है कि इस मंथ में आप कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हो, और अनाउंसमेंट हो सकती है आपकी मैरिज की, बेबी बर्थ की, न्यू बिजनेस शुरू करने की, कोई एग्जाम क्लियर करने की, तो कोई बड़ी अनाउंसमेंट आप करने वाले हो। और उस अनाउंसमेंट से क्या होगा या उस चीज के होने से क्या होगा कि आपकी दुनिया एक्चुअल में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आप रहते थे, जिस तरह से आप चीजें करते थे, जिस तरह से आपकी जिंदगी थी वो एकदम चेंज हो जाएगी। और ये एक लाइफ पार्टनर के आने से भी हो सकता है, एक नई जॉब के आने से भी हो सकता है, एक बेबी के आने से भी हो सकता है, लेकिन फाइनली वो चीज आपकी लाइफ में हो जाएगी इस मंथ में। और दैट इज वाई ये जो मंथ है ये आपकी दुनिया चेंज कर देगा, और एक बड़ा डिसीजन जो है इस मंथ में आपके सामने आएगा या आप वो डिसीजन लोगे। और अगर आपने कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में पेंडिंग रखा है, चाहे वो जॉब, करियर, बिजनेस, अपना पैशन फॉलो करने का, कोई एग्जाम क्लियर करने का, कुछ भी, तो ये मंथ है जिसमें आप वो डिसीजन लो और उस डिसीजन को सामने लाओ, और वो डिसीजन आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिट जो है या जो रियलिटी में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप चाहते थे, वो आपको दे जाएगा। इसके साथ में ये जो मंथ होगा इसमें कहीं ना कहीं इट इज अ मंथ ऑफ चॉइसेस फॉर यू। और चॉइसेस का मतलब है कि आपको, क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना है या क्योंकि आपको एक चीज अनाउंस करनी है, आपको डेफिनेटली चॉइस करना है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे जाना है, आपको क्या आगे लेके जाना है, क्या छोड़ना है और किस चीज के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से सोच के प्रोज एंड कॉन्स निकाल के और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, जो भी आप डिसाइड करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप पूरी तरह इवेल्युएट करके ही वो डिसीजन लीजिए, क्योंकि इसके बाद वो अपॉर्चुनिटी आपके पास वापस नहीं आने वाली है ये डिसीजन लेने या छोड़ने की। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और दूसरा एक चीज आपने और ध्यान रखना है कि इस मंथ में ऐसा ना हो कि आप पुराना बर्डन जो है वो अपने साथ लेके चले। तो आप जो चीज करना चाहते हो उस पर सिंगल फोकस रखिए, और उसके साथ में इंश्योर कीजिए कि जो चीजें आपके लिए अब यूजफुल नहीं है, या जो रिलेशनशिप्स, जो सिचुएशंस, जो बिलीफ सिस्टम आपके लिए यूजफुल नहीं है, आप उनको छोड़ दें और आप अपना फोकस जो है वो क्लियर रखें और उस एक चीज को लेकर सामने चले। अगर आप उस एक चीज को लेकर सामने चलोगे, बर्डन को हटा दोगे, तो आप डेफिनेटली उससे एक अच्छा और पॉजिटिव बेनिफिट जो है वो पा पाओगे। तो अगर ये चाहे कोई प्रॉपर्टी है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई वर्क है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, अगर कुछ भी बर्डन सम है तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, और अगर कुछ आपके साथ है तो उसको लेकर आगे बढ़िए, लेकिन अपनी चॉइस मेक कर लीजिए। 9 और 10 वैंस का एक साथ आया है, और इसका मतलब है कि आप कुछ स्टेप्स ले चुके हैं और आप एक स्टेप परे हैं वो चीज करने के या कंप्लीट होने की, तो वो अब एक स्टेप लेने के लिए बहुत अच्छा जो टाइम है वो है। और ये जो न्यू बिगनिंग है ये डेफिनेटली आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाएगी आपके फ्यूचर की, एक क्लियर पिक्चर दिखाएगी कि कल आपका कैसा होने वाला है, और वो कल लगता है कि अचीवमेंट से, हैप्पीनेस से, अच्छी चीजों से भरा होने वाला है। और बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आपकी अप्रोच क्या है, आप किस चीज, किस अप्रोच से, किस थॉट प्रोसेस से उस चीज को देख रहे हो, और कैसे आप उस चीज को अपनी लाइफ में पावर के साथ आगे लेके जा रहे हो। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि पावर आपके हाथ में है और आप चाहो तो आप उस चीज को अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हो, चाहे फिर वो कोई भी एस्पेक्ट आपकी लाइफ का हो। साथ में ये मंथ थोड़े एक्सपेंसेस आपके लिए डेफिनेटली लेके आएगा, तो अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करोगे बजट की, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को स्पेंड करोगे, तो जितने आपके एक्सपेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं कवर अप भी हो जाएंगे। तो आप बड़े आराम से काउंट कर पाओगे कि आपने क्या एक्सपेंस किया है और आपको क्या रिटर्न बैक आया है, क्योंकि ये कार्ड ये भी बता रहा है कि साथ में आपको रिटर्न जो है वो जो चीजें आपने खर्चे की, जो मनी आप खर्चोगे, स्पेंड करोगे, उसका रिटर्न भी आपको इमिडिएटली आ जाएगा। इसके साथ में अगर आप कोई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या खरीदना चाह रहे थे या किसी तरह का मनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो ये मंथ अच्छा है आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप फाइनली आगे यू कैन गो हेड एंड आप वो इन्वेस्ट कर सकते हो। एक छोटी सी प्रिकॉशन जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी है कि इस मंथ के लिए आप अपने हार्ट का ध्यान रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, और अगर कोई चीज आप अपनी फैमिली से, अपनी लाइफ पार्टनर से, अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो, या प्रॉपर्टी या किसी बिजनेस से आपको जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो आप उस एक्सपेक्टेशन को
इमीडिएटली अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये मंथ है जिसमें आपको वो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इमीडिएटली उसको हावी होने देंगे और आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे ये ऐसा ही चाहिए, इसमें ये नहीं हुआ है, इसमें ये कमी रह गई, जब आप कमियों पर फोकस करोगे तो आपको उसका रिजल्ट जो है वो दिखाई ही नहीं देगा, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव हो। तो कमियों पर इस मंथ में आपने फोकस नहीं करना है। इसके साथ में जो आपका आउटकम कार्ड है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स बोलता है कि क्योंकि आपके लाइफ में इतनी सारी चीजें होने वाली हैं और क्योंकि आप अपने लाइफ में एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उस डिसीजन को, उस एबिलिटी को पकड़ के आगे चलो और उसमें लीड लो और अपना स्टैंड लो। तो आपने अब कहीं पे भी ये ध्यान रखना है कि अगर ये कि बिजनेस है या अगर कोई एग्जाम या कोई पैशन आप फॉलो कर रहे हो, कोई नई जॉब है, तो आपका जो पकड़ है वो ढीली ना हो, का जो काम है, जो क्वालिटीज हैं जो आगे आने चाहिए वो पीछे ना रह जाए कहीं, या आप सब कुछ होने के बाद एकदम लथार्जिक ना हो जाओ कि अब तो हो गया, अब क्या करना है, अब तो मैंने कर लिया चीज जो करना था, तो वो ना हो। आप अपने एक्टिव रहो और आप अपने काम में आगे बढ़ते रहो। उसके साथ में ही आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो। ऐसा लगता है कि बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें होने के कारण थोड़ा हेल्थ पे बर्डन हो सकता है आप पे, तो ये ध्यान रखना है आपने कि आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो, और पार्टीज या कुछ भी सेलिब्रेशंस हो रही हैं तो ओवर ईटिंग ना करो, और बहुत अच्छे से अपने फिजिकल बॉडी का भी कंसिडर करके कि आपके लिए क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा वो कंसिडर करके आप चीजें करो। अगर बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ भी आपकी काफी हद तक इस चीज से जुड़ी हुई है कि आपने अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट्स किए हैं, जो चीजें की हैं, जो पास्ट में की हैं, उनके बारे में सोचना छोड़ के जो अब आप अभी कर रहे हो उसको अपने हाथ में लेके आगे बढ़ो। तो आपकी एफर्मेटिव, मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि मेरी एनर्जीज बिल्कुल फोकस्ड रहे, जो मैं अभी अचीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं उस गोल को ना छोड़ू और उसकी सारी पॉजिटिव चीजें देख के उसको लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, वो चाहे एक लाइफ पार्टनर है, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे न्यू हेल्थ रूटीन है, जो भी आपने उस चीज को लेकर आगे बढ़ना है, और वही आपकी मेंटल एक्सरसाइज होगी। आपका चक्र ऑफ द मंथ रहेगा स्वाधिष्ठाना चक्र। स्वाधिष्ठाना चक्र नेवल से दो फिंगर नीचे होता है, ये हमारे इमोशंस का, गट का चक्र है, और ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है इस मंथ के लिए। आपको इस चक्र की मेडिटेशन करना है। इस चक्र का मंत्र होता है वम। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूंगी जिसमें इसके बारे में सारी डिटेल्स है। तो आप कहीं पर भी बैठिए और वम चैंटिंग जो है, जैसे ओम चैंट करते हैं वैसे ही वम वम चैंटिंग जरूर कीजिए। और इसके साथ में आपका कलर ऑफ द मंथ रेड, ऑरेंज और येलो की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी, तो इन शेड्स को अपने आसपास रखिए, इन कलर्स को अपने आसपास रखिए, और क्योंकि सेलिब्रेशन है तो रेड ऑरेंज येलो इज गोइंग टू बी देयर, तो वो आपके आसपास रहने ही वाले हैं कलर। बस ये इंश्योर कीजिए क्योंकि सेलिब्रेशन मंथ के फर्स्ट टू वीक्स या थ्री वीक्स में ओवर हो जाएगी, तो लास्ट मंथ में भी आप उन चीजों को छोड़े ना, आप उन शेड्स को, कलर्स को ना छोड़े और ब्राइट रहे और अपनी लाइफ की चीजों को आगे लेके जाए। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए रहने वाला है नंबर 9। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे साथ मिलूंगी अगले मंथ के प्रेडिक्शन के साथ। वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, प्रेडिक्शंस कितनी आपके लिए सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और क्या चीजें आप चाहते हो मैं और इन्वॉल्व करूं अपनी प्रेडिक्शंस में। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मंथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।